नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि गणेश उत्सव चल रहा है, तो हम गणेश जी के बारे में ही आपसे कुछ रोचक बातें करेंगे। दोस्तों गणेश जी ने कई जन्म लिए थे। सत्ययुग में कश्यप व अदिति के यहाँ महोत्कट विनायक नाम से जन्म लेकर देवांतक और नरांतक का वध किया था। त्रेता युग में उन्होंने उमा के गर्भ से जन्म लिया और उनका नाम गणेश रखा गया। सिंधु नामक दैत्य का विनाश करने के बाद वे मयूरेश्वर नाम से विख्यात हुए। द्वापर में माता पार्वती के यहाँ पुनः जन्म लिया और वे गणेश कहलाए। ऋषि पराशर ने उनका पालन पोषण किया और वेद व्यास के कहने पर उन्होंने महाभारत की रचना की। एक समय माता पार्वती ने कहा कि सर्वप्रथम सभी तीर्थों का भ्रमण जो कर आएगा, मैं उसको यह मोदक दूंगी। माता की ऐसी बात सुनकर कार्तिकेय ने मयूर पर आरूढ़ होकर मुहूर्त भर में ही सब तीर्थों में स्नान कर लिया। इधर गणेश जी का वाहन मूषक होने के कारण वे तीर्थ भ्रमण करने में असमर्थ थे। तब गणेश जी श्रद्धा पूर्वक माता पिता की परिक्रमा कर पिताजी के सम्मुख खड़े हो गए। माता पिता की भक्ति देख माता ने उन्हें मोदक दे दिया और उनकी सबसे पहले पूजा करने का वरदान भी दिया। दोस्तों गणेश जी की दो पत्नियां हैं रिद्धि और सिद्धि। यह दोनों ही भगवान विश्वकर्मा की पुत्रियां हैं। रिद्धि से शुभ और सिद्धि से लाभ का जन्म हुआ है। कार्तिकेय के अलावा गणेश जी के अन्य भाइयों के नाम हैं सुकेश, जलंधर, अयप्पा, भूमा, अंधक और खुजा। गणेश जी की बहन का नाम अशोक सुंदरी, माँ ज्वालामुखी और मनसा देवी है। दोस्तों गणपति ने 64 अवतार लिए, लेकिन 12 अवतार प्रख्यात माने जाते हैं जिसकी पूजा की जाती है। अष्ट विनायक की भी प्रसिद्धि है। माना जाता है कि गणेश जी का प्रथम नाम विनायक है, इसे ही असली नाम माना जाता है। यह भी कहा जाता है कि गणेश के हर अवतार का रंग भी अलग ही था। उनके 12 प्रमुख नाम है सुमुख, एकदन, कपिल, गजकर्ण, नम्बोतन, विकट, विघ्न विनाशक विनायक, धूम्रकेतु, गणाध्यक्ष, भालचंद्र और गजानना। उनके प्रत्येक नाम के पीछे एक कथा है और प्रत्येक अवतार का रंग अलग अलग है। दोस्तों गणेश जी के प्रत्येक अवतार का रंग अलग अलग है, परंतु शिव पुराण के अनुसार गणेश जी के शरीर का मुख्य रंग लाल तथा हरा है। इसमें लाल रंग शक्ति और हरा रंग समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसका आशय है कि जहाँ गणेश जी हैं, वहाँ शक्ति और समृद्धि दोनों का ही वास है। गणपति आदि देव हैं, जिन्होंने हर युग में अलग अवतार लिया। गणेश जी सतयुग में सिंह, त्रेता में मयूर, द्वापर में मूषक और कलिकाल में घोड़े पर सवार बताए जाते हैं। कहते हैं कि द्वापर युग में वे ऋषि पराशर के यहाँ गजमुख नाम से जन्मे थे। उनका वाहन मूषक था, जो कि अपने पूर्व जन्म में एक गंधर्व था। इस गंधर्व ने सौभरी ऋषि की पत्नी पर कुदृष्टि डाली थी, जिसके चलते इसको मूषक योनि में रहने का श्राप मिला था। इस मूषक का नाम डिंक है। गणेश जी को सभी देवताओं की शक्तियाँ प्राप्त हैं। जिस तरह हनुमान जी को सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियाँ दी थी, उसी तरह गणेश जी को भी सभी देवताओं की शक्तियाँ प्राप्त हैं। इसके बावजूद उनके पास अपने खुद की शक्तियाँ भी हैं। दोस्तों गणेश जी की तुलसी, टूटे सूखे अक्षत, केतकी का फूल, सफेद फूल, सफेद जनेऊ, सफेद वस्त्र और सफेद चंदन अर्पित नहीं किए जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गणेश जी को केतु के रूप में माना जाता है। गणेश पूजा से बुध और केतु ग्रह का बुरा असर नहीं होता। गणेश जी के पोते अमोद और प्रमोद हैं। अमोद एवं प्रमोद जातक के जीवन में सर्वत्र सुख समृद्धि एवं हर्ष उल्लास का वातावरण बनाते हैं। दोस्तों मान्यता है कि गणेश जी की एक पुत्री भी है, जिसका नाम संतोषी है। संतोषी माता की महिमा के बारे में सभी जानते हैं। चतुर्थी, बुधवार, अनंत चतुर्दशी, धनतेरस और दिवाली के दिन गणेश जी की विशेष पूजा होती है। गणेश जी का सिर हाथी के समान है। उनका मस्तक शनि देव के देखने से भस्म हो गया था, या शिव जी ने उनका मस्तक काट दिया था। इनमें से सबसे प्रचलित कथा शिव जी द्वारा मस्तक काट देने की कथा है। इसके बाद उनके धड़ पर हाथी का मस्तक लगाने के बाद वे गजमुख और गजानन कहलाए। हिंदुओं के लगभग सभी देवी देवताओं के पास अपना एक अलग वाद्य यंत्र है। गणेश जी को मूर्ति
और उनके चित्र में वीणा, सितार और ढोल बजाते हुए दर्शाया जाता है। कहीं कहीं पर उन्हें बांसुरी बजाते हुए भी चित्रित किया गया है। दोस्तों, गणेश जी ने देवांतर, नरांतर, सिंधुरासुर, मत्सरासुर, मदासुर, मोहासुर, कामासुर, लोभासुर, क्रोधासुर, ममासुर, अहंतासुर आदि असुरों का वध किया था। गणेश जी की चार भुजाएं हैं। पहले हाथ में अंकुश, दूसरी भुजा में पाश, तीसरी भुजा में मोदक और चौथी भुजा से वे आशीर्वाद दे रहे हैं। कहते हैं कि श्री गणेश जी कलयुग के अंत में अवतार लेंगे। इस युग में उनका नाम धूम्रवर्ण या शूर्पकर्ण होगा। वे देवदत्त नाम के नीले रंग के घोड़े पर चार भुजा से युक्त हो सवार होकर आएंगे और उनके हाथ में खड़ग होगा। वे अपनी सेना के द्वारा पापियों का नाश करेंगे और सतयुग का सूत्रपात करेंगे। इस दौरान वे कल्कि अवतार का साथ देंगे। जल तत्व के अधिपति गणेश जी का सिर हाथी का है। उनकी प्रिय वस्तु दुर्वा, लाल रंग के फूल, अस्त्र पाश और अंकुश, प्रिय भोजन बेसन और मोदक का लड्डू, केना आदि है। शिव महापुराण के अनुसार श्री गणेश जी को दुर्वा चढ़ाई जाती है। वह जड़ रहित, चार अंगुल लंबी और तीन गांठों वाली होनी चाहिए। भगवान श्री गणेश के सिर काटने की घटना के पीछे भी एक प्रमुख किस्सा है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार एक बार किसी कारणवश भगवान शिव ने क्रोध में आकर सूर्य पर त्रिशूल से प्रहार कर दिया था। इस प्रहार से सूर्यदेव चेतनाहीन हो गए। सूर्यदेव के पिता कश्यप ने जब यह देखा तो उन्हें क्रोध आया और क्रोध में आकर उन्होंने शिव जी को श्राप दिया कि जिस प्रकार तुम्हारे त्रिशूल से मेरे पुत्र का शरीर नष्ट हुआ है, उसी प्रकार तुम्हारे पुत्र का मस्तक भी कट जाएगा। इसी श्राप के फलस्वरूप भगवान श्री गणेश के मस्तक कटने की घटना हुई थी। दोस्तों, गणेश जी को पौराणिक पत्रकार या लेखक भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने ही महाभारत का लेखन किया था। इस ग्रंथ के रचयिता तो वेद व्यास थे, परंतु इसे लिखने का दायित्व गणेश जी को दिया गया था। इसे लिखने के लिए गणेश जी ने शर्त रखी कि उनकी लेखनी बीच में ना रुके। इसके लिए वेद व्यास ने उनसे कहा कि वे हर श्लोक को समझने के बाद ही लिखें। श्लोक का अर्थ समझने में गणेश जी को थोड़ा समय लगता था और उसी दौरान वेद व्यास जी अपने कुछ जरूरी कार्य पूर्ण कर लेते थे। तो दोस्तों, कैसी लगी यह जानकारी कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।